फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं इलिश, जो एक रिवर फिश है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप देखिए, हमने इसको काट लिया है अलग अलग शेप में और इसको हम आज मस्टर्ड सीड के साथ बनाने वाले हैं। मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों है, ये हमने भिगो लिया है ऑलरेडी। आप देख सकते हैं इसके साथ हम ले रहे हैं लहसुन और एक छोटा सा अदरक फॉर स्मेल एंड फ्लेवर, और प्याज, कटा हुआ प्याज। अब हम सरसों को पेस्ट बनाने वाले हैं। इसमें हम लहसुन भी ऐड करेंगे। और इसका हम एक थिक पेस्ट बनाने वाले हैं। ये पेस्ट हो चुका है, मैं अब इसको मैरिनेट करूंगी इस पेस्ट के साथ। इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसको अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे अब मछली को। ये मेरी दादी का रेसिपी है, इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं विच एड्स द फ्लेवर। इसमें और फ्लेवर्स, ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है इसके कारण। इसको अच्छे से मैरिनेट करते हैं हम। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई भी फर्स्ट टाइम अगर बनाना चाहता है वो भी बना सकता है। इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ एक टिफ़िन या कोई ढक्कन वाला बर्तन चाहिए जिसमें आपने मैरिनेटेड फिश को ठीक से डाल दिया है। मैंने ये सारा फिश एक एक करके अंदर डाल दिया है। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट रेसिपी, आप देख सकते हैं। आप कोई और फिश भी ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। सारा पेस्ट हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, और जो मिर्ची हमने लिया था और अदरक वो साइड में रख देंगे। मिर्ची सब ऊपर रख देंगे, साबुत एंड थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल अगेन ऑन टॉप। लेट्स कवर इट अप नाउ। अच्छे से ढक्कन लगा दिया है हमने और इसको स्टीम करने के लिए छोड़ दिया। और आप इसको 20 से 30 मिनट्स तक भूल जाइए। लेट्स चेक इट आउट आफ्टर 30 मिनट्स, दिस इज हाउ इट लुक्स। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इट्स रेडी। आई विश आप इसको स्मेल कर पाते हैं, इट्स स्मेलिंग अमेजिंग। अच्छी तरीके से पक चुका है, हम एक पीस आपको काट के दिखाएंगे अभी। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट्स कुक्ड, बहुत ही सुंदर तरीके से ये पक चुका है। इफ यू आर लेजी और आपको मछली खाना है, ये सबसे इजी रेसिपी है जो आप ट्राई कर सकते हो। सो जस्ट ट्राई दिस रेसिपी एंड एंजॉय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।